मध्य प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों का भारी विरोध, मोदी शाह के उड़े होश, मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें, भिंड दतिया लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी मौजूदा सांसद संध्या राय का भिंड में जमकर विरोध हुआ। वे यहां मंदिर में दर्शन करने आई तो लोगों ने क्षेत्र में उनकी निष्क्रियता के चलते खूब खरी खोटी सुनाई। स्थानीय लोगों और सांसद की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सभी लोग और प्राय फर्श पर बैठे हुए हैं, सभी के बीच बहस हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मेहगांव के वन खंडेश्वर महादेव मंदिर का है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का विरोध बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आपको बता दें, भिंड दतिया बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहां बीजेपी को शिकस्त देना आसान नहीं है। बीजेपी ने दूसरी बार संध्या राय को सांसदी का टिकट दिया है। ये संयोग है कि बीजेपी ने संध्या राय को यहां से दूसरी बार टिकट दिया है, क्योंकि पिछले 53 साल में बीजेपी ने सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग के किसी शख्स को दूसरी बार उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस बार सांसद संध्या राय को भिंड दतिया सीट पर कांग्रेस के दलित नेता फूल सिंह बराया से टक्कर मिलेगी। बराया अभी दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से एमएलए हैं। बराया को संसद का चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। वे ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि यहां उन्हें हार ही मिली। वे पहली बार 1998 में भांडेर विधानसभा से विधायक बने। वे 2023 के चुनाव से भी इसी सीट से जीती। फिलहाल आपको बता दें कि भिंड में बीजेपी प्रत्याशी संध्या का जमकर विरोध हुआ। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।